हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आदित्यनाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल एडी फिटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, जहाँ सर्वाइकल पेन। कुछ बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि आप अपने सर्वाइकल पेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, और इसे करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर सकते हो, और सिर्फ 5 मिनट में इस एक्सरसाइज को करके आप अपने सर्वाइकल पेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। जी हाँ, एक दिन में आपका पूरा पेन नहीं जाएगा, बट एक दिन में ही आपको एहसास होगा कि आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। राइट, एक दिन में आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को हर रोज़ 5 मिनट अपने आप को देना होगा, और सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज से हर रोज़ करके आप अपने सर्वाइकल पेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। राइट, और जिन लोगों को सर्वाइकल पेन नहीं है, वो लोग भी इसको अगर करेंगे तो उनकी जो सर्वाइकल पेन होने का कोई चांस नहीं रहेगा, और उनकी जो नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो नेक और ये जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं, ये प्रॉपर फंक्शन करेंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, उनको किसी भी तरह की सर्वाइकल पेन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। राइट, तो ये सबके लिए ज़रूरी है। आप सारी एक्सरसाइजेस को देखिए, समझिए और इसको परफॉर्म कीजिए, और अपने घर में सभी को बताइए, सो दैट किसी को भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक स्ट्रेचिंग, जिसमें कि हम अपने नेक को शोल्डर के पास लेके जाएंगे दोनों साइड, और इस तरीके से नेक मूवमेंट करना है हमें। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब आप नेक की स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो शोल्डर्स मूव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर शोल्डर्स उठेंगे तो आपको नेक में अच्छी तरीके से स्ट्रेच फील नहीं होगा। ओके, शोल्डर एक जगह पे स्टेबल रहने चाहिए, और इस तरीके से साइड बाय साइड नेक की मूवमेंट करनी है। अब इसमें देखिए, मैंने वेरिएशन चेंज कर दिया, अप एंड डाउन इस तरीके से करना है हमें। दोस्तों, जिन लोगों को सर्वाइकल पेन ज़्यादा है, वो अपने गर्दन को नीचे लेके ना जाएं, ऊपर लेके जाना है पूरी तरीके से, लेकिन ज़्यादा नीचे बेंड नहीं करना अपनी गर्दन को, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो नेक में आपके ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए, नेक्स्ट इसमें वेरिएशन है, आपको राउंड राउंड आप अपनी नेक को मूवमेंट देनी है इस तरीके से, दोनों साइड ईजीली। आईज ओपन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दोस्तों, इसमें हमें हैंड स्ट्रेच करनी है इस तरीके से, दोनों हाथ हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन में हमारे शोल्डर पे रहेंगे, और फिर इस तरीके से स्ट्रेच। दोस्तों, आपको आपकी जो हथेली है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर पोजीशन में, और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे पोजीशन में जाएगी, और फिर आप अपनी मुट्ठी बना के और उसको राउंड में रिस्ट मूवमेंट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कोशिश करना है आपको कि आप अब जब अपनी पाम को स्ट्रेच करते हैं तो कुछ सेकंड का होल्ड दीजिए। ओके, अब पोजीशन में भी और डाउन पोजीशन में भी कुछ सेकंड का होल्ड, और फिर रिस्ट मूवमेंट। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से आपका जो ब्लड फ्लो है वो हैंड्स से लेकर और नेक तक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन करेगा। एक अच्छा ब्लड फ्लो आपको फील होगा आपके हैंड्स से होते हुए आपके नेक तक। ओके, दोस्तों, इस एक्सरसाइज का बेनिफिट एक ये भी है कि आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपकी हथेली, आपके एल्बो, आपके शोल्डर्स के बीच में जितने भी जॉइंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट, एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। और दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 7 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। ओके, और इसमें आपको ब्रीदिंग का ध्यान ये रखना है कि जब स्टार्टिंग पोजीशन में आपको ब्रीद इन करना है, यानी ब्रीदिंग लेनी है। ओके, और एंड पोजीशन में ब्रीद आउट करना है। ऑलराइट, इस तरीके से स्टार्टिंग में ब्रीद इन किया, और फिर इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं आप ब्रीद को कुछ टाइम के लिए अपनी सांस को, और फिर जैसे एंड करते हुए एक्सरसाइज तो फिर ब्रीद आउट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें हम अपने दोनों हाथ को गर्दन के पीछे ले जाएंगे, और अपनी हेड को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हेड को पीछे की तरफ स्ट्रेच, और अपने दोनों हाथों से अपने शोल्डर्स को खींचेंगे आगे की तरफ इस तरीके से। राइट, हमारा सर पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा, और अपने दोनों हाथों से
पीछे जो ट्रेपेजियस मसल है उसको टच करते हुए अपनी शोल्डर्स को आगे की तरफ हम पुश करेंगे और नेक से हम पुश करेंगे, अपने हेड से पुश करेंगे पीछे की तरफ और इसको होल्ड करेंगे कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड्स तक, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपने हैंड को सर के पीछे और अपनी दोनों एल्बोज को हम ऑलमोस्ट टच करेंगे, तो इस तरीके से हमारी जो है कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच दोनों हो रही है। और जब हमारे दोनों हैंड, दोनों एल्बो पीछे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों हमें पुश करना है थोड़ा पीछे की तरफ, ओके, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करें, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है हमारी सर्वाइकल के लिए, इसे भी आप 8-10 बार परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये शोल्डर रोटेशन है, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रोटेट करते समय आपकी दोनों एल्बोज ऑलमोस्ट टच होनी चाहिए। अगर टच हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर टच नहीं हो पा रही है तो आपको कोशिश ये करनी है कि ऑलमोस्ट टच हो, ओके, तभी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज हो पाएगी, ओके। और आपके दोनों जो हाथ के फिंगर्स हैं वो शोल्डर्स को टच होने चाहिए, राइट। और इस तरीके से प्रॉपर आपको जो है एक सर्कल बनाते हुए इसको रोटेट करना है और दोनों साइड रोटेट करना है, 8-10 बार दोनों साइड इसको रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जो दोनों हाथ हैं वो मेरे घुटनों पे हैं और सिर्फ शोल्डर्स को मुझे मूव करना है। तो दोस्तों सर्वाइकल की ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही ईजी हैं और आप इसे कहीं पर भी बैठ करके आराम से परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, थम्स अप बटन पे क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।